Hello and welcome everyone. So today we are going to start a new series of lecture that is empiricisms. तो इस सीरीज में टोटल हम 3 लेक्चर डिलीवर करने वाले हैं। जो फर्स्ट लेक्चर रहेगा जिसमें हम जॉन लॉक कवर करेंगे, सेकंड लेक्चर में हम बर्कले कवर करेंगे और थर्ड लेक्चर में हम डेविड ह्यूम को डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट विद जॉन लॉक। जॉन लॉक को अगर बींग ए फिलासफर देखा जाए तो ही इज फेमस फॉर हिज फिलासफिकल स्कूल दैट इज एम्पिरिसिज्म्स। ही वॉज अ फाउंडर ऑफ एम्पिरिसिज्म्स। एंड एम्पिरिसिज्म्स को अगर देखें, इट इज अ रिएक्शन अगेंस्ट रैशनलिज्म्स। सो एम्पिरिसिज्म क्या है? एक फिलोसफिकल स्कूल भी है और एक एपिस्टेमोलॉजिकल थ्योरी भी है। अगर इसको हम एज ए फिलोसफिकल स्कूल देखते हैं तो इसका ये एग्जिस्टेंस में आया था अराउंड 16th सेंचुरी के। और ये जो स्कूल था ये एग्जिस्टेंस में आया किसकी वजह से? इट इज रिएक्शन अगेंस्ट रैशनलिज्म्स। तो मतलब रैशनलिज्म के खिलाफ आया था ये स्कूल। उनकी जो फिलासफी थी, उनकी जो अप्रोच थी, उनके जो प्रिंसिपल्स थे, उसके खिलाफ आया था। मतलब जैसे हम रैशनलिज्म की बात अगर करते हैं तो हम जानते हैं कि जो रैशनलिस्ट जो फिलासफर हुए हैं वो सबसे जो फाउंडिंग फिगर थे रैशनलिस्ट फिलासफर्स वो थे रिने डिकार्ट। उनको फॉलो किया था स्पिनोजा ने और उनको फॉलो किया था लैबनीज ने। अगर इन तीनों को हम डिटेल में देखें तो ये जो नॉलेज है उसके ए प्रायोरिटी प्रिंसिपल्स को मानते हैं। ए प्रायोरिटी प्रिंसिपल्स का मतलब रैशनल प्रिंसिपल्स, इनेट प्रिंसिपल्स। बट अगर आप एम्पिरिसिज्म्स की बात करते हैं तो ये बिल्कुल उसके अपोजिट बात कर रहे हैं। मतलब ये ए पोस्टरिटी प्रिंसिपल्स को मान रहे हैं। ए पॉजिटिव प्रिंसिपल जो है वो ए प्रायोरिटी प्रिंसिपल्स के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। मतलब ए प्रायोरिटी बोलते हैं नॉलेज एक्सपीरियंस से पहले आता है, और जो ए पॉजिटिव प्रिंसिपल्स हैं ये क्या बोलते हैं कि नॉलेज एक्सपीरियंस के बाद में आता है। तो यहीं से इनकी सारी डिटेल में स्टोरी शुरू हो जाती है। तो अगर हम एम्पिरिसिज्म को एज एपिस्टेमोलॉजिकल थ्योरी देखते हैं तो यहाँ जो फर्स्ट सबसे पहले जो चीज़ हमें समझनी होगी कि ये मान रहे हैं कि जो हमारा सारा नॉलेज है ये एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। तो मतलब सिंपल जैसा स्क्रीन पे लिखा आपको नजर आ रहा है, एक्सपीरियंस टीचर्स एवरीथिंग वी नो। मतलब ऑल द कंटेंट दैट वी हैव इन अवर ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज इट कम्स थ्रू अस बाय एक्सपीरियंस। तो मतलब जितना भी ज्ञान आपके दिमाग में है, जितना आप जानते हैं, ये सब कहाँ से आया? वो एक्सपीरियंस के थ्रू। और एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो मतलब ये सब सेंस ऑर्गन पे रिलाई करता है। एक्सपीरियंस किस पे रिलाई करता है? सेंस ऑर्गन पे। तो मतलब सेंस ऑर्गन्स आर द प्राइमरी टूल्स ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू एम्पिरिसिस्ट। एम्पिरिसिस्ट क्या मानते हैं कि जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं दे आर द प्राइमरी टूल्स ऑफ नॉलेज। कि जितना भी नॉलेज आपके पास वो सब कहाँ से ड्रा किया गया? थ्रू सेंस ऑर्गन्स। तो नेचुरली जब एक एम्पिरिसिस्ट फिलोसोफर एक्सपीरियंस को इतनी ज्यादा प्रेफरेंस देगा तो उसको डिकार्ट्स की जो इनेट आइडियाज की थ्योरी, इनेटिज्म्स, जो उसके ए प्रायोरिटी प्रिंसिपल्स हैं डिकार्ट्स के, वो उसको डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे। तो लॉक क्या करते हैं? लॉक एक बर्क लिखते हैं इन न्यू एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो बर्क था डिकार्ट का, इस बर्क में डिकार्ट ने डिकार्ट्स के इनेट प्रिंसिपल्स पे, ए प्रायोरिटी प्रिंसिपल्स पे अटैक किया। तो मतलब जो मेन रहेगा वो इनेट आइडियाज पे अटैक रहेगा। किसका? लॉक का। तो मतलब इनेट आइडियाज पे अटैक करने का मतलब क्या हुआ कि आप इनेट प्रिंसिपल्स पे अटैक कर रहे हैं, ए प्रायोरिटी प्रिंसिपल्स पे अटैक कर रहे हैं। आप ये बात डिनाई कर रहे हैं कि जो नॉलेज है वो एक्सपीरियंस से पहले कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो सब नॉलेज है एक्सपीरियंस से आता है। एक्सपीरियंस से जब तक आप कोई चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करते हैं आपके दिमाग में कुछ भी नहीं होता है। ये बात। अगर जैसे हम डिकार्ट्स की बात करते हैं तो डिकार्ट्स के अकॉर्डिंग्स मतलब जो फंडामेंटल नॉलेज है इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इनेट आइडियाज लाइक द आइडिया ऑफ सब्सटेंस, कॉजेशन, गॉड, प्रिंसिपल ऑफ लॉजिक्स जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं लॉजिक के, दैन द आइडिया ऑफ इन्फिनिटी, एटर्निटी एटसेट्रा, दीज आर ऑल द इनेट आइडियाज एंड अकॉर्डिंग टू डिकार्ट्स ऑल दीज प्री एग्जिस्ट इन द माइंड ऑफ द चाइल्ड बिफोर ही स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग द थिंग्स। मतलब जब एक बच्चा एक्सपीरियंस करना शुरू करता है इस दुनिया को और लर्न करना शुरू करता है उन एक्सपीरियंस के थ्रू, डिकार्ट्स का ये मानना है कि ये जो आइडियाज हैं, इनेट आइडियाज, ये ऑलरेडी बच्चे के दिमाग में प्री एग्जिस्ट करते हैं। मतलब ए चाइल्ड केम इन टू दिस वर्ल्ड विद ऑल दीज आइडियाज। मतलब जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो इनेट आइडियाज के साथ आता है, ऐसा मानना था रैशनलिस्ट फिलोसोफर का, जहाँ जो इनेट प्रिंसिपल्स को मानते हैं, जहाँ जो ए प्रायोरिटी प्रिंसिपल्स को मानते हैं। तो लॉक का जो सिंपल सा अटैक था डिकार्ट्स के ऊपर वो इस तरह से था, मतलब वो आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कि अगर आप ये मानते हैं कि मतलब सारे आइडियाज इनेट होते हैं, जहाँ इनेट आइडियाज होते हैं, तो वो सब में कॉमन होने चाहिए थे।
मतलब सबके दिमाग में गॉड का आइडिया होना चाहिए था, सबके दिमाग में मोरालिटी का आइडिया होना चाहिए था, गुड का आइडिया, बैड का आइडिया, राइट का आइडिया, रॉन्ग का आइडिया, सबका एक जैसा नॉलेज होना चाहिए था। क्यों किसी को कम चीज़ें समझ आती हैं, किसी को ज़्यादा समझ आती हैं? मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स की अगर बात करें, लॉजिकल प्रिंसिपल्स की अगर बात करें, तो वो सबको एक जैसे क्लियर नहीं होते। मतलब जैसे हम कॉमन सेंस कहते हैं कई बार कि आपकी कॉमन सेंस कहाँ गई है, तो वो कॉमन सेंस तो लॉजिकल है ना, तो वो कॉमन सेंस सब में क्यों नहीं होती है? अगर इनेट आइडियाज सबके दिमाग में होते हैं तो सबके दिमाग एक जैसे होने चाहिए थे, सबके दिमाग में एक जैसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी। ऐसा तो हमें देखने को नहीं मिलता है। दो दिमाग एक जैसे हो ही नहीं सकते, दो ब्रेन एक जैसे नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या है कि जो इनेट आइडियाज का जो एग्जिस्टेंस है उस पर डाउट किया जा सकता है, ऐसा लॉक कह रहे हैं। तो लॉक आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कि जैसे मतलब फिबल माइंडेड बच्चे होते हैं, तो उनके दिमाग में जो नॉर्मल बंदे के दिमाग में आइडियाज है वो उनके दिमाग में नहीं होते हैं। जैसे मोरालिटी की बात करें, अगर गुड बैड राइट रॉन्ग, तो ये अगर आइडियाज सबके दिमाग में होते हैं तो सब मॉरल होते। मतलब मोरालिटी का आइडिया अगर यूनिवर्सल है, ऑब्जेक्टिव है, जिस तरह से फिलोसफर बताने की कोशिश करते हैं, तो ये सबके दिमाग में होने चाहिए थे। फिर अगर इनेट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो सब सबको पता होता अच्छा क्या है बुरा क्या है, बट ऐसा तो नहीं है। लियर्ड्स इलिटेड लोगों की बात करें अगर, तो उनके दिमाग में प्री एग्जिस्ट होना, आप क्यों लर्न करते हो चीज़ें? जब तक आप लर्न नहीं करोगे कि आपको पता चलेगा फिलोसफी क्या है, हम बात कर रहे हैं आज, तो आपके दिमाग में पहले ही फिलोसफी होनी चाहिए, आपके दिमाग में पहले ही साइंस होनी चाहिए प्री एग्जिस्ट। जैसे फोन आता है तो उसमें कुछ पिक्चर्स जो वॉल पेपर्स होते हैं वो ऑलरेडी प्री एग्जिस्ट होते हैं, तो आपके दिमाग में भी जब आप इस दुनिया में आए, तो डिकार्ट्स ये बोल रहा है कि जब आप इस दुनिया में आए थे आपके दिमाग में ऑलरेडी डाटा अपलोड था कुछ, उन्हीं को इनेट आइडियाज बोला जाता है। बट लॉक ये मानने से, लॉक डिकार्ट्स के साथ बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहे हैं। डिकार्ट्स इसके अपोजिट कहना चाहते हैं कि जब आप इस दुनिया में आते हो तो आप एम्प्टी माइंडेड आते हो। तो इस तरह से मतलब लॉक क्या करता है, डिकार्ट्स के जो इनेट प्रिंसिपल्स हैं उस पर अटैक करता है कि अगर आइडियाज़ हैं तो सबके दिमाग में होने चाहिए, बट ऐसा नहीं है। हम इडियट्स की बात करें, चिल्ड्रन की बात करें, इलिटरेट पर्सन्स की बात करें, मोरालिटी की बात करें, तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है कि देर इज़ नथिंग लाइक इनेट आइडियाज़। क्योंकि अगर इनेट आइडियाज़ होंगे तो उनका जो नेचर है वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो सबके दिमाग में एक जैसे होंगे, बट हमें ऐसा कोई भी आइडिया नहीं मिलता जो सबके दिमाग में एक जैसा है। तो इसलिए जो इनेट आइडियाज़ का जो एग्जिस्टेंस है उस पर डाउट करना लाजमी है। इवन इफ देर वर द सेम आइडियाज इन ऑल माइंड्स, इट वुड नॉट प्रूव दैट देर इननेटनेस। मतलब एक आइडिया सपोज वो सबके दिमाग में है, इसका क्या मतलब वो इनेट आइडिया है? फॉर एग्जाम्पल फायर का आइडिया, आपको पता है फायर से मतलब हीट मिलती है हमें, तो सबको पता है कि हीट मिलती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फायर का आइडिया है वो क्या है? इनेट आइडिया नहीं, तो ये आपने लर्न किया है एक्सपीरियंस के थ्रू। मतलब जब तक एक बच्चे का हाथ जलेगा नहीं, क्या उसको पता चलेगा कि आग हाथ जला देती है? बच्चा दौड़ दौड़ के आग की तरफ जाता है, बट जब एक दफ़ा उसका हाथ आग में जलता है, पाँव जलता है, कुछ भी जलेगा मतलब, तो वो नेक्स्ट टाइम कभी आग के पास जाएगा ही नहीं। तो मतलब जो फायर का आइडिया सबके दिमाग में हम बोल रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो इनेट आइडिया। तो इसलिए मतलब लॉक ये प्रूव करना चाहते हैं कि जो सारे नॉलेज है, जितने आइडियाज हमारे, ये सब कहाँ से आते हैं? थ्रू एक्सपीरियंस। देर इज नथिंग लाइक इनेट आइडियाज। मतलब अगर आप किसी बच्चे को मतलब स्पोज बर्थ होता है, आप उसको कोई भगवान, मतलब भगवान की बात ही नहीं करते उसके साथ। मतलब देर आर आईलैंड, देर आर पीपल्स इन द वर्ल्ड जिनका वर्ल्ड के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब नॉर्मल लोगों के साथ, तो उनको गॉड का आइडिया बिल्कुल नहीं है उनके दिमाग में। मतलब उनको पता ही नहीं है देर इज समथिंग लाइक गॉड। आपके दिमाग में गॉड का आइडिया कहाँ से है? अगर आपके पेरेंट्स, आपके गुरुज, आप टेलीविजन में, फोन में, मोबाइल पे जहाँ भी देखा, अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं होती तो क्या आपका भगवान होता आज? नहीं होता। तो मतलब क्या है जो गॉड, हमने गॉड की इमेज बनी हुई है हमारे दिमाग में। इट ऑल कम्स थ्रू एक्सपीरियंस, देर इज नथिंग लाइक इनेट आइडियाज। सो परसेप्शन इज एक्सपीरियंस, द सो कॉल्ड इनेट प्रिंसिपल्स, ए प्रायरी प्रिंसिपल्स आर ड्राइव फ्रॉम एक्सपीरियंस एक्चुअली। दे आर एम्पिरिकल ट्रूथ एंड नॉट इनेट एंड इंट्यूटिव। दे आर नॉट ए प्रायरी आर प्रायर टू ऑल एक्सपीरियंस। दस लॉक डिसप्रूव डिकार्ट्स डॉक्ट्रिन ऑफ इनेट आइडियाज। एंड हियर बिगिन्स द स्टोरी ऑफ लॉक, द फेमस कंसेप्शन ऑफ तबला रासा, वेयर ही डिक्लेयर दैट लॉक मेंटेन दैट द माइंड इज ए तबला रासा इन द बिगनिंग। तबला रासा मतलब इट्स अ लैटिन फ्रेज दैट स्टैंड फॉर क्लीन स्लेट। मतलब जैसे ब्लैंक वाइट पेपर होता है, ब्लैंक बोर्ड हो गया जिसपे अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा एक्सपीरियंस उसके ऊपर लिखता जाएगा। ऑन विच एक्सपीरियंस राइट्स एंड दिस राइटिंग बाई एक्सपीरियंस इज ऑल द माइंड कैन नो।
मतलब जब जो जो चीजें आप एक्सपीरियंस करोगे वही दिमाग में आएगा, नहीं तो जो बच्चा इस दुनिया में जब आता है उसका माइंड क्या होता है, बिल्कुल तबला रासा। तबला रासा मतलब एक लेटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है ब्लैंक स्लेट, वाइट शीट जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा वो उसमें इंप्रेशंस रहेंगे और वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, आइडियाज की फॉर्म में। सो माइंड हैज नो इननेट आइडियाज, इट रिसीव आइडियाज फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस लॉ के अकॉर्डिंग दो टाइप का होता है, जिसमें हम बात करेंगे रिफ्लेक्शंस और सेंसेशंस की, सेंसेशन एंड रिफ्लेक्शन। सो सेंसेशंस और रिफ्लेक्शंस के थ्रू हम आइडियाज हमारे पास आते हैं। अगर आइडियाज की बात करें, दे आर द इमीडिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग्स एंड ऑल आइडियाज कम्स टू अस बाय एक्सपीरियंस। मतलब जो डायरेक्टली हम किसी चीज को अगर जानते हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आइडियाज। और आइडियाज की जो फॉर्मेशन होती है वो होती है थ्रू सेंसेशन एंड रिफ्लेक्शंस। अगर हम सेंसेशंस की बात करें तो इट कम्स टू अस बाय सेंस ऑर्गन्स, फॉर एग्जाम्पल आईज, ईयर, नोज, स्किन। तो मतलब जैसे आईज के थ्रू सीइंग होती है, देख पाते हैं हम, ईयर्स के थ्रू हियरिंग्स, जो स्किन है टचिंग, एंड टंग के थ्रू टेस्टिंग्स और नोज के थ्रू स्मेलिंग्स। तो ये फाइव सेंस ऑर्गन्स और ये फाइव सेंसेशंस प्रोड्यूस करते हैं, जिसके थ्रू हमें सेंसरी जो वर्ल्ड है, जो फिनोमिनल वर्ल्ड है, इसका नॉलेज हमारे पास आता है। और अगर हम रिफ्लेक्शंस की बात करें तो मतलब जब आप किसी चीज़ को देखते हो, मतलब किसी चीज़ को सुनते हो, किसी चीज़ को टेस्ट करते हो, किसी चीज़ को स्मेल करते हो, तो जो आइडिया आपके दिमाग में जाता है, जो डाटा आपके दिमाग में जाता है, मतलब नेचुरली जब आप देखेंगे तो इमेजेस, जो कंटेंट आपकी आइज ब्रेन को प्रोवाइड कर रही है, उसके ऊपर ब्रेन क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। और रिफ्लेक्शंस के थ्रू भी क्या बनते हैं, आइडियाज। तो मतलब सेंसेशन सफिशेंट नहीं है जब तक ब्रेन रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। सेंसेशन के थ्रू भी आइडियाज बनते हैं, बट कई बार वो नॉर्मल आइडियाज होते हैं, विविड, जिसमें क्लैरिटी नहीं होती है, सॉरी, जिसमें क्लैरिटी नहीं होती है। बट जब रिफ्लेक्ट करता है माइंड तो वो क्या करता है, कुछ और आइडियाज भी साथ में एडअप कर लेता है। जैसे मतलब एक कल कुछ देखा था और आज देखा, दोनों को मर्ज करके रिफ्लेक्ट करके वो एक नया आइडिया भी फॉर्म कर सकता है। तो मतलब यही टेक्निक है, मतलब थ्रू सेंसेशंस और रिफ्लेक्शंस आइडियाज की फॉर्मेशन होती है। तो आइडिया रिफ्लेक्शंस कम्स टू अस थ्रू द एक्टिविटी ऑफ माइंड एज इट ऑब्जर्व इन टू इनर प्रोसेस। तो मतलब जब माइंड ब्रेन की इनर प्रोसेस, जब ब्रेन की जो इनर प्रोसेस होती है, मतलब जैसे आपने किसी चीज़ को देखा, इमेजेस दिमाग में गई, ब्रेन ने डाटा प्रोसेस किया और उसको रिफ्लेक्शन, उस प्रोसेस को रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये दो प्रोसेस हैं जिसके थ्रू आइडियाज़ फॉर्म्ड होते हैं। तो अगर हम आइडियाज़ की बात करें तो जब एक आइडिया, मतलब फॉर एग्जांपल कलर का आइडिया, एप्पल का आइडिया है, मोबाइल का आइडिया है, घर का आइडिया, कोई भी चीज़ ले लिया आपने, तो जो आइडियाज़ हैं दो टाइप के होते हैं, सिंपल आइडियाज़ एंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज़। तो सिंपल आइडिया मतलब सिंगल आइडिया, आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, उसका कलर नज़र आ रहा है, किसी चीज़ की स्मेल आ रही है आपको, किसी चीज़ का टेस्ट आ रहा है, तो ये सब सिंपल आइडियाज़ होंगे। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एप्पल की बात कर रहे हैं, एप्पल क्या है, कलर भी होता है, टेस्ट भी होती है, स्मेल भी होती है, टच भी होता है। तो मतलब कलर एक सिंपल आइडिया है, टच किया एक सिंपल आइडिया है, स्मेल किया एक आइडिया, टेस्ट किया एक आइडिया। तो जब आप एप्पल बोल रहे हैं, इट्स अ कॉम्प्लेक्स आइडिया, इट्स अ कॉम्प्लेक्स आइडिया। द कलर ऑफ द एप्पल, द टेस्ट ऑफ द एप्पल, द स्मेल ऑफ द एप्पल, द टच ऑफ द एप्पल, ये चारों सिंपल आइडियाज हैं। जब आप एप्पल कह रहे हैं तो वो क्या है, कॉम्प्लेक्स आइडिया। इसी तरह मतलब जब आप एक ऑब्जेक्ट को किसी किसी कंप्लीटली जानते हैं, डिटेल में जानते हैं, तो वो हमेशा क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स आइडिया होगा। और अगर आप किसी चीज़ के एक ही एस्पेक्ट को जानते हैं, कलर को, टेस्ट को, स्मेल को, टच को, तो वो क्या होगा, सिंपल आइडिया। सो देर इज नथिंग इन द इंटेलेक्ट विच वॉज नॉट प्रीवियसली इन द सेंसेस। तो मतलब हमारे दिमाग में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है जो कभी ना कभी आपने देखी ना हो। तो मतलब जो आपने देखा है वही आपके दिमाग में होता है, आपके दिमाग में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपने पहले कभी ना देखी हो। इस तरह से एक्सपीरियंस होता है। कैसे हुआ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस की शुरुआत कहाँ से होती है, सेंसेशन से। सेंसेशन का मतलब क्या है, जब आपके सेंस ऑर्गन किसी ऑब्जेक्ट के कंटेक्ट में आते हैं, आईज देखती हैं, नोज स्मेल करता है, टंग टेस्ट करती है, तो जब मतलब आप सेंसेशन होगी आपको जब आप किसी चीज़ को देखेंगे, और जब वो आइडिया दिमाग में जाएंगे, वो इमेजेस, जो डाटा दिमाग में जाएगा, तो ब्रेन उसको क्या करेगा, उस पर रिफ्लेक्ट करेगा, उस डाटा को प्रोसेस करेगा। तो मतलब एक सेंसेशन है जहाँ से नॉलेज बिगिन होता है, एक्सपीरियंस बिगिन होता है, रिफ्लेक्शन है जहाँ नॉलेज कम्युनिकेट होता है। और क्या बनते हैं, आइडियाज़ बनते हैं। आइडियाज़ दो टाइप के होते हैं, सिंपल आइडियाज़ और कॉम्प्लेक्स आइडियाज। तो इस तरह से एक्सपीरियंस होता है अकॉर्डिंग टू लॉक। और सारा जो कंटेंट है, सारा जो नॉलेज है, ये कहाँ से आ रहा है, थ्रू एक्सपीरियंस। तो हमारा दिमाग में कुछ भी नहीं था जब हमारा बर्थ हुआ था,
जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो वैसे वैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते जाते हैं। जो चीज़ें आज तक आपने एक्सपीरियंस नहीं की हैं उनके आइडियाज़ आपके दिमाग में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप ले नहीं गए हैं तो लेकर आइडिया आपके दिमाग में होगा? नहीं होगा। जब आप कभी उधर विजिट करेंगे तो आपके दिमाग में आइडिया होगा। तो इस तरह से मतलब देर इज़ नथिंग लाइक इननेट आइडियाज़। सो ऑल द नॉलेज इज ड्राइव फ्रॉम एक्सपीरियंस, ऑल द नॉलेज ड्राइव फ्रॉम सेंस एक्सपीरियंस। तो मतलब जो आप चीज़ें देखेंगे वही आपके पास उसी चीज़ का नॉलेज होगा। आपके दिमाग में कोई कुछ भी चीज़ नहीं थी इसलिए जो आप इस दुनिया में आए थे आपका ब्रेन क्या था? बिल्कुल एम्प्टी, दैट इज तबला रासा एज सेट बाय लॉक। तो नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें वो रहेगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वालिटी का डिस्टिंक्शंस। तो ये मतलब इस कंसेप्ट पे आप आते कहते हैं, मतलब जब हम वर्ल्ड की बात करते हैं फिनोमिनल वर्ल्ड की बात, जब आप ऑब्जेक्ट की बात करते हैं या सब्सटेंस की बात करते हैं, तो मतलब एक सब्सटेंस मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जो आप जिसको आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। तो लॉक क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट पोसेस टू टाइप्स ऑफ क्वालिटीज, मतलब दो टाइप की क्वालिटीज होती हैं, एक प्राइमरी क्वालिटीज होती हैं और एक सेकेंडरी क्वालिटीज, मतलब क्वालिटीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे प्राइमरी क्वालिटीज की बात करें ये टोटली सिक्स ही होती हैं। प्राइमरी क्वालिटीज ना तो सिक्स से ज़्यादा होती है ना ही सिक्स से कम, दे आर सिक्स इन नंबर्स। और वो क्या थी? सॉलिडिटी, कोई चीज़ सॉलिड है। एक्सटेंशन मतलब वो मटेरियल है, स्पेस और टाइम में एग्जिस्ट कर रही है। देन फिगर होगी उसकी, मोशन में है, रेस्ट में है। और नंबर्स, ऑल दीज आर प्राइमरी क्वालिटीज। और अगर हम सेकेंडरी क्वालिटीज की बात करें, दे आर कलर, टेस्ट, स्मेल, टच, साउंड। सब किस पे डिपेंड करता है? आपके सेंस ऑर्गन्स पे। कलर किस पे डिपेंड करता है? आपकी आईज पे। टेस्ट किस पे डिपेंड करता है? आपकी टंग पे। स्मेल किस पे डिपेंड करती है? आपके नोज पे। टच किस पे डिपेंड करता है? स्किन पे। साउंड किस पे डिपेंड करती है? ईयर पे। तो ये सब सेकेंडरी क्वालिटीज़ हैं। तो अगर हम प्राइमरी क्वालिटीज और सेकेंडरी क्वालिटीज का मेन पॉइंट देखें तो प्राइमरी क्वालिटीज क्या है, मतलब फॉर एग्जाम्पल हम एप्पल की एग्जाम्पल लेते हैं, तो प्राइमरी क्वालिटीज जो होती है वो इनसेपरेबल होती हैं। आप उसको ऑब्जेक्ट से सेपरेट नहीं कर सकते, आप उसको ऑब्जेक्ट से सेपरेट नहीं कर सकती। दिस क्वालिटीज आर एसेंशियल्स टू द वेरी कंसेप्शन एंड एग्जिस्टेंस ऑफ मटेरियल थिंग्स। मतलब अगर एक कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है ना, इट इज बिकॉज ऑफ प्राइमरी क्वालिटीज। अगर एक एप्पल है वो क्यों है? क्योंकि वो सॉलिड है, एक्सटेंशन है, फिगर, मोशन, रेस्ट एंड नंबर्स। तो मतलब अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है इट इज बिकॉज ऑफ प्राइमरी क्वालिटीज, एंड प्राइमरी क्वालिटीज आर सिक्स इन नंबर टोटली, सॉलिडिटी, एक्सटेंशन, फिगर, मोशन, रेस्ट एंड नंबर्स। सो ऑल दीज क्वालिटीज आर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मीन यूनिवर्सल्स, इनका मतलब यूनिवर्सल नेचर है, एज दे एग्जिस्ट इन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, वेदर आवर माइंड परसीव इट और नॉट, एंड डू नॉट डिपेंड अपॉन द माइंड ऑफ द नोअर। तो मतलब प्राइमरी क्वालिटी को आप एक्सपीरियंस करो या ना करो, उनका जो एग्जिस्टेंस है वो आपके माइंड पे डिपेंड नहीं करता। मतलब आपको प्राइमरी क्वालिटी समझ आ रही है या नहीं आ रही है, मतलब आपको सॉलिडिटी, एक्सटेंशन, फिगर, मोशन, रेस्ट ऑफ नंबर्स, वेदर यू अंडरस्टैंड इट और नॉट, द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइमरी क्वालिटीज डज नॉट डिपेंड अपॉन द नोअर, द वन हु परसीव, द वन हु सी। बट ऑन द अदर हैंड इफ यू लुक एट द सेकेंडरी क्वालिटीज, मतलब सेकेंडरी क्वालिटीज हैज द पावर टू प्रोड्यूस सेंसेशंस। मतलब जो आपको एक्सपीरियंस हो रहा है ना, हमने बात कर सेंसेशन और रिफ्लेक्शंस की, जब तक सेंसेशन नहीं होगी रिफ्लेक्शन नहीं होगी। तो जो सेकेंडरी क्वालिटीज हैं इसकी वजह से सेंसेशन होती है। मतलब अगर सेंसेशन होगी तो एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस होगा तो नॉलेज आएगा। तो अगर सेंसेशन ही नहीं होती है तो नॉलेज नहीं आने वाला। वो अगर हम लॉ की बात माने तो लॉ क्या बोलता है? प्राइमरी क्वालिटीज में सेंसेशन प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं है, पावर नहीं है। जो सेंसेशन प्रोड्यूस होती है वो किसकी वजह से होती है? सेकेंडरी क्वालिटीज की वजह से, जैसे कलर, टेस्ट, स्मेल, टच, साउंड, इन चीजों की वजह से हमें सेंसेशन होती है, एक्सपीरियंस होता है। तो मतलब सेकेंडरी क्वालिटीज हैज अ पावर टू प्रोड्यूस आइडियाज, सेंसेशन, एंड दे आर नॉट द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मतलब जो सेकेंडरी क्वालिटीज हैं ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज नहीं है। मतलब एक एप्पल है फॉर एग्जाम्पल, तो जो प्राइमरी क्वालिटीज हैं वो किसकी प्रॉपर्टीज हैं? ऑब्जेक्ट की, एप्पल की। बट कलर एप्पल का नहीं होता है, टेस्ट एप्पल का नहीं होता, स्मेल एप्पल की नहीं होती, टच एप्पल की नहीं होती, साउंड एप्पल की नहीं होती। अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ आपको? फॉर एग्जाम्पल कलर, कलर किस पे डिपेंड करता है? एप्पल पे कि आपकी आईज पे? कलर किस पे डिपेंड करता है? आपकी आई साइट पे। अगर आई साइट ठीक है तो आपको डिफरेंट कलर नजर आएगा, थोड़ी सी डिम है अगर तो, मतलब शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस, माइपिया, जो भी मतलब आईज के डिफेक्ट होते हैं, अगर आपको कोई डिफेक्ट है तो आपको कलर दूसरा नजर आएगा, दूसरे बंदे को दूसरा नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम टेस्ट की बात करते हैं, तो मतलब मैं आप सबको एप्पल सर्व कर रहा हूँ, 10 लोग हैं आप, कोई चॉकलेट खा के आया है, कोई मिक्सचर खा के आया है, किसी ने कोल्ड ड्रिंक पी ली है, किसी ने चाय पी ली है, किसी ने जूस पी लिया है,
किसी ने कोई मिठाई खा ली है, किसी ने चॉकलेट खा लिया, सब ने अलग अलग चीज़ें खाई हैं, और मैं सबको एप्पल सर्व कर रहा हूँ और एक बंदे ने मिक्सचर खाई है। अब मुझे बताओ सबके टेस्ट एक जैसे होंगे? एप्पल तो एप्पल का टेस्ट है क्या? टेस्ट किसका है मुझे बताओ, आपकी टंग पे डिसाइड डिपेंड करता है। सबका टेस्ट क्या होगा? अलग अलग। तो अब मुझे बताओ टेस्ट किसका होता है, एप्पल का कि आपकी टंग का? मतलब कलर किस किस पे डिपेंड करता है, आइज पे या ऑब्जेक्ट पे? स्मेल किस पे डिपेंड करती है, नोज पे? मतलब मेरा एक फ्रेंड था जिसकी जो नोज की सेंसेशन है वो काम ही नहीं करती है, तो उसको स्मेल नहीं आती है। उसको गटर के पास खड़ा कर दो, आपको उसको स्मेल नहीं आने वाली। तो मतलब स्मेल किस में, गटर में कि नोज पे? उसको तो नहीं आ रही है। तो मतलब लॉ किस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट हैं प्राइमरी क्वालिटीज उनकी होती हैं, बट सेकेंडरी क्वालिटीज किस पे डिपेंड करती हैं? परसीवर पे, देखने वाले पे। एप्पल का कलर नहीं होता, ऑब्जेक्ट का कलर नहीं होता, ऑब्जेक्ट में टेस्ट नहीं होता, स्मेल, टच, साउंड, ये सब किस पे डिपेंड करता है? पर्सन पे, जो देख रहा है, जो खा रहा है, नॉट की ऑब्जेक्ट पे। तो मतलब जब आप एक सब्सटेंस की बात करते हैं, सब्सटेंस किसका बना हुआ है? प्राइमरी क्वालिटीज का। मतलब जो सब्सटेंस की क्वालिटीज कौन सी होती है? प्राइमरी क्वालिटीज। सेकेंडरी क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है? पर्सन पे। तो मतलब जब आप देखते हो वो पर्सन टू पर्सन क्या होगा, डिफरेंट वर्ल्ड होगा, एक डिफरेंट डिफरेंट। तो मतलब अगर हम बात करें, दे इंक्लूड्स कलर, टेस्ट, स्मेल, साउंड एटसेट्रा। सो सेकेंडरी क्वालिटीज प्राइमरी क्वालिटीज के अपोजिट हैं। जैसे सेकेंडरी प्राइमरी क्वालिटी क्या थी? ऑब्जेक्टिव थी, यूनिवर्सल थी, एक जैसी थी। बट सेकेंडरी क्वालिटी क्या होती है? सब्जेक्टिव। ये पर्सन टू पर्सन अलग होती हैं। कलर सबको एक जैसा नहीं दिखता, टेस्ट एक जैसा नहीं आता, स्मेल एक जैसी नहीं आती है, साउंड एक जैसी, कान मतलब एक जैसा सुनाई थोड़ी देता है। तो सेकेंडरी क्वालिटीज क्या होती हैं? सब्जेक्टिव हैं, ये पर्सन टू पर्सन अलग होंगी, एज दे एग्जिस्ट इन अवर कॉन्शियसनेस ओनली। मतलब हर एक दिमाग, मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज हैं, आपके दिमाग में कुछ आइडियाज हैं, आपको अलग कलर दिखता है, मेरे को अलग कलर दिखता है, आपको अलग टेस्ट आता है, मेरे को अलग टेस्ट आता है, एंड डिपेंड अपॉन नॉवर। और ये पर्सन पे डिपेंड करती हैं, ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती हैं, और इनको ऑब्जेक्ट से सेपरेट भी किया जा सकता है क्योंकि ये मेरे पे डिपेंड है, एंड दे हैव रिलेटिव एग्जिस्टेंस। सो इस तरह से लॉ क्या करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटी का डिस्टिंक्शन दिया उसने हमें। तो अब हमें बात यहाँ पे समझ के आ रही है, जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सी क्वालिटीज का बना हुआ है। सेकेंडरी क्वालिटीज तो मेरे पे डिपेंड है, कलर मेरे पे डिपेंड है, टेस्ट मेरे पे डिपेंड है, स्मेल मेरे पे डिपेंड है, टच मेरे पे डिपेंड है, साउंड मेरे पे डिपेंड है। तो मतलब आप जब ऑब्जेक्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप किसके थ्रू समझ रहे हैं? सेकेंडरी क्वालिटीज के थ्रू। कभी आपने प्राइमरी क्वालिटी को एक्सपीरियंस किया? नहीं। तो इसका क्या मतलब है, प्राइमरी क्वालिटीज नहीं है? हैं? तो जैसे मतलब अगर हम सब्सटेंस की बात करें, मतलब मेटाफिजिक्स की बात करें, मेटाफिजिकल थ्योरी की बात करें, रियलिटी की बात करें, तो मतलब लॉक का यहाँ पे रियलिज्म डेवलप होना शुरू हो चुका है, क्योंकि जो आपको समझ आ रहा है वो सिर्फ सेकेंडरी क्वालिटीज हैं, सब्सटेंस को आप एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर प्राइमरी क्वालिटीज हैं तो डेफिनेटली कोई सब्सटेंस भी होगा, क्योंकि जो प्राइमरी क्वालिटीज है वो हवा में तो हैंग नहीं करेंगे ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट है डेफिनेटली जो प्राइमरी क्वालिटीज प्रोसेस करता है, तो प्राइमरी क्वालिटीज हमें बिल्कुल समझ नहीं आती हैं। जब जब आप वर्ल्ड को एक्सप्लेन करते हो, जब जब आप नॉलेज की बात करते हो, तो आप किसकी बात कर रहे होते हैं? सेकेंडरी क्वालिटीज की। तो बट प्राइमरी क्वालिटीज आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आती हैं, बट प्राइमरी क्वालिटी को आप एक्सपीरियंस करते हैं, बट आपका नॉलेज जो है वो प्राइमरी क्वालिटीज पर डिपेंड नहीं करता है। और अगर प्राइमरी क्वालिटीज हैं तो डेफिनेटली सब्सटेंस भी होगा, बट वो सब्सटेंस क्या है आपको समझ नहीं आ रहा है। तो मतलब डिकार्ट्स का यहाँ पे क्या डेवलप हो गया, रियलिज्म। अब रियलिज्म क्या बोलते हैं, कि जो रियलिटी है वो माइंड इंडिपेंडेंट है, वेदर यू नो इट आर नॉट, रियलिटी एग्जिस्ट। और सेम लॉक के साथ यहाँ पे हो रहा है। मतलब लॉक जो है वो एम्पिरिसिस्ट तो थे, बट उनकी जो फिलोसफी कल्मिनेट होती है वो क्या डेवलप हो चुका है वहां पे, रियलिज्म। कि जो रियलिटी है उसका जो एग्जिस्टेंस है वो आपके माइंड पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो प्राइमरी क्वालिटीज के नहीं बने हुए, सॉरी सेकेंडरी क्वालिटीज के, और हमें जो समझ आ रहा है वो सिर्फ सेकेंडरी क्वालिटी समझ आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्राइमरी क्वालिटीज है उनका एग्जिस्टेंस, जब ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस हमारे माइंड पे डिपेंडेंट नहीं है, ऑब्जेक्ट डेफिनेटली होते हैं बट इट इज नॉट नोन टू अस। सो लॉक फिलॉसफी, लॉक एम्पिरिसिजम्स एंड इन रियलिजम्स। और डेफिनेटली अगर प्राइमरी क्वालिटीज हैं, सब्सटेंस है जिसपे प्राइमरी क्वालिटी हैंग कर रही है, तो वो क्या होगा, मटीरियल होगा। तो मतलब इस तरह से लॉक रियलिज्म के साथ साथ मटीरियलिज्म भी डेवलप कर लेता है, कि जो अल्टीमेट रियलिटी है वो मटेरियल है, एंड इट इज नॉट नोन टू अस बिकॉज ऑल ओवर नॉलेज इज डिपेंड ऑन सेकेंडरी क्वालिटीज, एंड सेकेंडरी क्वालिटीज आर सब्जेक्टिव इन नेचर्स, दे आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द परसीवर्स।
इट हैज नथिंग टू डू विद द ऑब्जेक्ट. सो ऑब्जेक्ट पोसेस प्राइमरी क्वालिटीज एंड इट इज ऑल्सो नॉट क्लियरली नोन टू अस. सो लॉक एम्पिरिसिजम्स एंड्स अप इन रियलिज्म एज वेल एज मटेरियलिज्म. थैंक्स फॉर वॉचिंग.